क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर आर पी इन ब्रैकेट 3 4, क्यू इन ब्रैकेट -2 3 एंड आर इन ब्रैकेट -3 -2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स एस आर, जो फोर्थ वर्टेक्स एस है इसके कोऑर्डिनेट को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी को हमको समझना है कि जो डायगोनल होते हैं किसी पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा पॉइंट एस और पॉइंट क्यू से। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, पॉइंट ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -2 + x/2 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3 + y/2। ठीक है, सिमिलरली पी और आर के साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये होगा पी और आर के साथ, अगर पी के वो में देखें तो ये हो जाएगा 3 - 3/2 और वाई के लिए होगा 4 - 2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0, 3 - 3 0 होता है, 0/2 = 0 और 4 - 2 2 होता है, तो 2/2 = 1। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे 0 को इसके साथ और 1 को इसके साथ, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो -2 + x/2 = 0 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -2 + x = 0। तो x इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पे हमको 2 मिला, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा। अब y क्या होगा, देखिए x का वैल्यू वाला इसका 2 होगा, ठीक है ना। तो y क्या होगा, y के लिए इसको इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे देखिए 3 + y/2 = 1, तो ये हो जाएगा 3 + y = 2, तो y = 2 - 3 = -1। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो एक्स वाई का वैल्यू मिला है 2 और -1। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है 2 और -1, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।